आरसी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस रोबोट बॉय। बड़े शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उस दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक से एक तेज आवाज के साथ रोशनी उसके ट्रैक्टर पर गिरती है। अरे बाप रे, ये क्या था? इतनी जोर से आवाज, ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे ट्रैक्टर पर बड़ा सा पत्थर आ गिरा हो। तब रमेश डरते डरते अपने ट्रैक्टर के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसका ट्रैक्टर अपने आप हिलने लगता है। वो ट्रैक्टर देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। ट्रैक्टर रोबोट खेतों में घुसकर पूरे फसल को बर्बाद कर देता है और वहां से शहर की तरफ जाता है। तब रमेश रोते हुए कहता है, हाय रे, ये क्या हुआ मेरे ट्रैक्टर के साथ? ये एक ही तो मेरा सहारा था और ऊपर से मेरा खेत भी बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? उधर शहर में ललित नाम का एक साइंटिस्ट अपने लैब में बड़ा ही परेशान हुआ था। अरे ये मेरे शहर में आखिर हो क्या रहा है? झगड़े, लड़ाई, चोरी दिन ब दिन तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा इसे रोकने के लिए। तब ललित एक पावरफुल रोबोट बॉय बनाने की सोचता है। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है। अरे ललित, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक ट्रैक्टर रोबोट शहर की तरफ आ रहा है। तुम जल्दी से अपना रोबोट लेकर उस ट्रैक्टर रोबोट को रोक लो यार। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूं। तब ललित रोबोट बॉय बनाना शुरू करता है। इधर ट्रैक्टर रोबोट शहर में घुस जाता है और वो तबाही मचाने लगता है। ट्रैक्टर रोबोट को रोकना पुलिस को बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इधर ललित जैसे तैसे अपना रोबोट बॉय बना लेता है और उसे कमांड देकर ट्रैक्टर रोबोट के पास भेज देता है। उन दोनों में देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट बॉय में कुछ कमियां थी जिस वजह से रोबोट बॉय को वो ट्रैक्टर रोबोट मार देता है। अरे ये क्या, मेरा रोबोट बॉय तो मारा गया। अब इस ट्रैक्टर रोबोट को मैं कैसे रोकूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है अब भगवान को ही हमारे शहर को बचाने आना होगा। तभी ट्रैक्टर रोबोट का पावर कम हो जाता है। उसकी भी बैटरी जैसे कम ही हो गई थी। बस ललित ये देखकर जल्दी से ट्रैक्टर रोबोट के पास जाता है। वो ट्रैक्टर रोबोट को जल्दी से डिसमेंटल कर देता है और उसे अपने लैब लेकर जाता है। अरे सही मौके पर यह सब हो गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अब मैं इस ट्रैक्टर रोबोट को खुद रिमोट से कंट्रोल करूंगा ताकि कोई भी इसका फायदा ना उठा सके। तब ललित अपने रोबोट बॉय के ऊपर भी काम करने लगता है। रोबोट बॉय की जो कमियां थी उसे वो दूर कर देता है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो दूसरी ओर एलियन अपने प्लैनेट पे ये सब देखते रहते हैं। एलियन कहते हैं, ये ट्रैक्टर रोबोट सच में एक चमत्कार है। अगर ये मेरे हाथ लग गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरा। पर ये इंसान बिना जहां देखो वहां होशियारी दिखाते ही रहते हैं। अब मुझे कुछ भी करके इस ट्रैक्टर रोबोट को हासिल करना ही होगा। ऐसा सोचकर वो एलियन धरती पर आता है। वो ललित की लैब को ढूंढते हुए उसके लैब पहुंच जाता है। ललित रोबोट बॉय के काम में लगा था और दूर ट्रैक्टर रोबोट था। तब एलियन अपनी शक्ति से ललित को बेहोश कर देता है और ट्रैक्टर रोबोट को चुरा कर वहां से दूर जंगल चला जाता है। ट्रैक्टर रोबोट मिल ही गया, अब मैं पूरे शहर क्या पूरी धरती पर अपना कब्जा कर सकता हूं। इधर थोड़ी देर बाद ललित को होश आता है। तब ट्रैक्टर रोबोट को ना पाकर वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये ट्रैक्टर रोबोट कहां चला गया? इसका मतलब मेरा शहर फिर से खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द रोबोट बॉय को ठीक करना होगा। ललित रोबोट बॉय में नई नई टेक्नोलॉजी डाल देता है और उसी के साथ उसमें मिसाइल, लेजर और गन्स की पावर भी डाल देता है। उधर एलियन ट्रैक्टर रोबोट को एक रिमोट पर चलने वाला रोबोट बना देता है और उसमें कुछ जादुई शक्तियां डाल देता है। अब एलियन रिमोट से उस ट्रैक्टर रोबोट को कंट्रोल करने लगता है और उसे तबाही करने के लिए भेज देता है। तब ट्रैक्टर रोबोट पास के ही गांव में जाता है जहां रमेश अपने ट्रैक्टर को पहचान जाता है। अरे ये फिर से वापस आ गया, एक तो मेरा ट्रैक्टर, अब ये और यहां आकर नुकसान करेगा।
अब क्या ये भी गांव छोड़कर जाना पड़ेगा क्या मुझे? वो ट्रैक्टर रोबोट घरों की तोड़फोड़ करते हुए आगे शहर चला जाता है। वो शहर जाकर वहां भी तबाही मचाता है। तब ललित अपने लैब की मॉनिटर पर देखता है कि उस ट्रैक्टर रोबोट को वो एलियन कंट्रोल कर रहा है। तब वो सोचता है, अच्छा तो इसके पीछे ये एलियन है, पर कोई बात नहीं, इस बार मेरा रोबोट बॉय सबके छक्के छुड़ा देगा, अब ये हार नहीं मानेगा। ए रोबोट बॉय, जाओ और अपने शहर की हिफाजत करो और जो दुश्मन है उसे मार डालो। तब रोबोट बॉय हवा में उड़ते हुए ट्रैक्टर रोबोट के पास आता है। सारे लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट और रोबोट बॉय में आमना सामना होता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके बीच की लड़ाई देखकर तो लोग चकित ही हो जाते हैं। ट्रैक्टर रोबोट का हर वार खाली जा रहा था, तो रोबोट बॉय कभी मिसाइल से तो कभी गन से ट्रैक्टर रोबोट पर वार करते ही रहता है, जिस वजह से देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट खाक में मिल जाता है। इधर एलियन रिमोट पर गुस्सा दिखाकर उसे फेंक देता है। ओह नो, ट्रैक्टर रोबोट किसी काम का नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर वापस आऊंगा और मेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। एलियन नाकामयाब होकर अपने प्लेनेट पर वापस चला जाता है। रोबोट बॉय इस ट्रैक्टर रोबोट को साधारण ट्रैक्टर में बदल देता है और रमेश को उसे वापस कर देता है। रमेश अपना नुकसान भूलकर ट्रैक्टर को पाते ही खुश हो जाता है। इस तरह से ट्रैक्टर रोबोट की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जादुई गॉडज़िला रोबोट भेड़िया लड़ाई। हरीश एक इंजीनियर था। वो अपने देश की आर्मी की पावर बढ़ाने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था कि जिससे देश की ताकत बढ़ जाए। इसलिए हरीश दिन रात अपनी लैब में मेहनत कर रहा था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। यस, मैंने कर दिखाया। अब मैं इस रोबोट को लेकर आर्मी चीफ के पास ले जाता हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरे इस रोबोट को अपनी आर्मी में जरूर शामिल करेंगे। इस तरह हरीश खुशी से रोबोट लेकर आर्मी ऑफिस जाता है। वहां के चीफ ऑफिसर तारेश से मिलकर वो कहता है, सर, मैंने देश की ताकत बढ़ाने के लिए ये रोबोट बनाया है। आप इस रोबोट से देश की सेवा कर सकते हो। क्या कहा, इस रोबोट से? अरे पर इस रोबोट में ऐसी क्या खास बात है? सर, दुश्मनों से बिना डरे ये लड़ सकता है। इस पर ना ही गोलियों का असर होगा और ना ही किसी बॉम्ब का। और हाँ, इस रोबोट में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पहले से ही दुश्मनों की खबर हम सब तक पहुंचा सकता है। ठीक है, आज इस रोबोट को हमारे पास रखो, हम इसका टेस्ट लेंगे, तब पता चलेगा कि ये कितना काम का है। तब हरीश सारी बात समझाकर वो रोबोट आर्मी ऑफिस में ही छोड़कर चला जाता है। हरीश के जाते ही तारेश सोचता है, ये लो, अब हमारी जगह क्या ये रोबोट लेगा? हम अपना खून बहाकर देश की सेवा करते हैं, फिर इस रोबोट के आने से हमारे बलिदान का क्या महत्व होगा? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तब तारेश एक दिन हरीश के रोबोट को अपने ऑफिस ले जाता है। तारेश के गलत कमांड की वजह से वो रोबोट ठीक से काम नहीं करता और वो ऑफिस में तोड़फोड़ मचाने लगता है। तभी वहां हरीश पहुंचता है। उसे देखकर तारेश कहता है, अरे हरीश, ये कैसा रोबोट है तुम्हारा? ऑफिस का देखो, इसने क्या हाल करके रखा है। सोचो, ऑफिस में ये हाल है तो बॉर्डर पे ये क्या करेगा? हमें तुम्हारे इस रोबोट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा रोबोट बेकार है, बेकार, ले जाओ इसे यहां से। तारेश सबके सामने हरीश का अपमान करता है और उसका मजाक उड़ाता है। हरीश बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तारेश था जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता। तब हरीश ना चाहते हुए भी अपने रोबोट को लेकर वापस अपनी लैब में आ जाता है। हरीश अपना अपमान भूल नहीं पाता और उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने सालों मेहनत करके इस रोबोट को बनाया ताकि मेरे देश की मैं सेवा कर सकूं, पर इन सब को तो मेरे मेहनत की कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं भी किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। इन आर्मी वालों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। इस तरह हरीश बदले की आग में जलने लगता है। वो एक भयानक रोबोट बनाने में जुट जाता है।
तभी एक दिन की बात है, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आता है। वो भेड़िया बड़ा ही खतरनाक था। कुछ गांव वालों को वो घायल कर देता है तो जानवरों को खा जाता है। भेड़िया इस तरह तबाही मचा कर जंगल वापस चला जाता है। उस भेड़िए की वजह से गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उनका डरा हुआ चेहरा देखकर हरीश सोचता है, मेरे पावरफुल रोबोट को अगर इस भेड़िए की हैवानियत मिल जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। फिर तो आर्मी वाले भी मेरे रोबोट को रोक नहीं पाएंगे। इस तरह हरीश एक भयानक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से वो एक भेड़िया रोबोट बनाता है जिसमें वो उसी भेड़िए को पकड़कर उस भेड़िए का दिमाग और दिल लगा देता है ताकि वो रोबोट बिल्कुल एक भेड़िए के जैसे तबाही मचाए और उसी के जैसा सोचे। तब कुछ ही दिनों में हरीश का वो भेड़िया रोबोट रेडी हो जाता है। हरीश उसे एक्टिव करके तबाही करने शहर छोड़ देता है। आर्मी वालों, आप कैसे शहर को बचाओगे? मेरे रोबोट को नकारा था ना तुम लोगों ने, अब भुगतो इसकी सजा। वो भेड़िया रोबोट शहर में घुसकर तबाही मचाने लगता है। भेड़िया रोबोट का गुस्सा आसमान चीरते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ फोड़ रहा था। रोबोट भेड़िए को देखकर तो लोग डर के मारे इधर से उधर भागने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वो भेड़िया शहर को तबाह कर रहा था कि तभी वहां आर्मी रोबोट भेड़िए पर काबू पाने आ जाती है। तब तारेश अपने फोर्स से कहता है, अरे अपनी जान की बाजी लगाकर इस रोबोट भेड़िए को मार गिराओ, अगर आज ये हमारे हाथ से बच गया तो अनर्थ हो जाएगा। आर्मी वाले रोबोट भेड़िए पर गोलियां बरसाने लगते हैं, उस पर हेलीकॉप्टर से बम फेंकते हैं, पर इन सब का कोई भी असर उस रोबोट भेड़िए पर नहीं होता। उल्टा रोबोट भेड़िया आर्मी फोर्स के हेलीकॉप्टर और उनकी जीप पर हमला करता है। आर्मी फोर्स भी वहां से भाग जाती है। इधर हरीश ये सब देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब तो शहर को दबा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आर्मी ऑफिसर तारेश मेरे पास आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और ये तबाही रोकने के लिए कहेगा, लेकिन मैं हूं, मैं उसको रोकूंगा ही नहीं। उधर तारेश ऑफिस आकर सोचते रहता है, अरे इस रोबोट भेड़िए को किसने बनाया होगा, आखिर कौन है जो इसे दुश्मनी निभा रहा है। तारेश सोचने में डूब जाता है। तभी उसे अचानक हरीश की याद आती है। तारेश समझ जाता है कि ये सब हरीश का ही काम है। वो तुरंत हरीश से मिलने जाता है और ये तबाही रोकने के लिए कहता है। तब हरीश कहता है, क्यों तारेश, आ गया ना मेरी मदद मांगने, अब जब तक तुम मुझसे सबके सामने माफी मांगकर मेरे रोबोट को अपनी आर्मी में शामिल नहीं करते ना, तब तक ये तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। तारेश वापस ऑफिस आकर इस बारे में सोचते रहता है। हरीश भी उधर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तारेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोबोट भेड़िए की तबाही शुरू थी, तब शहर को बचाने के लिए तारेश हरीश की बात मानने की ठान लेता है। वो हरीश के पास जाने ही वाला था कि तभी वहां उसका दोस्त जितेन आता है और वो कहता है, अरे क्या करने जा रहे हो तारेश, उस हरीश की बात मत मानो, इससे उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। अरे पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास उस रोबोट भेड़िए को रोकने का, शहर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम शायद भूल रहे हो, हमारा एक जादुई गॉडज़िला प्रोग्राम भी वैसे का वैसा ही है, क्यों ना आज ही हम उसे एक्टिव करें, उस जादुई गॉडज़िला के सामने ये रोबोट तो टिक ही नहीं पाएगा। अरे इतने सालों के बाद क्या वो जादुई गॉडज़िला प्रोग्राम वर्क करेगा भी, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार तो कोशिश करके ही देखते हैं। तारेश और जीतेन मिलकर अपने पुराने जादुई गॉडज़िला प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं। तभी समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और बड़ी लहरों के साथ समंदर से बाहर आता है जादुई गॉडज़िला। तारेश और जीतेन जादुई गॉडज़िला को देखकर खुश हो जाते हैं। जादुई गॉडज़िला और रोबोट भेड़िए का आमना सामना होता है और उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई गॉडज़िला को देखकर हरीश अपने लैब में मॉनिटर पर देखता रहता है। तब वो कहता है, ओह शिट, ये कहां से आ गया जादुई गॉडज़िला, एक बार फिर से मैं नाकामयाब नहीं बनना चाहता, कैसे रोकूं इसे।
हरीश अपने रोबोट भेड़िए की सारी पावर को एक्टिवेट करता है। गॉडज़िला और रोबोट की लड़ाई तो देखने लायक थी। कुछ देर ये लड़ाई वैसे ही शुरू रहती है, कभी गॉडज़िला गिरता तो कभी रोबोट भेड़िया गिरता। लेकिन एक समय पर जादुई गॉडज़िला भेड़िया रोबोट को उठाकर उसे दो टुकड़ों में फाड़ देता है और देखते ही देखते भेड़िया रोबोट एक ही पल में नष्ट हो जाता है। इस तरह से जादुई गॉडज़िला के कारण हरीश का रोबोट भेड़िया ढेर हो जाता है और हरीश को उसके किए की सजा मिलती है।